श्लोक नंबर 26 और 27 ये कहलाता है युगल। युगल मतलब दो एक साथ मिलकर जहां अर्थ बनता है उसे युगल या युग्म बोलते हैं। देखते चिंतामणि रिव दुर्लभ मिहिननु कथयामि चतुर्भाद्रम् किम तद वदन्ति भूयो विधूततम सो विशेषेण। दानं प्रियवाक्य सहितं ज्ञान मगर्गं क्षमान्वितं शौर्यं ज्ञान मगर्गं मगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं त्याग सहितं च वृत्तं दुर्लभमेतच्चतुर्भद्रम् चिंतामणि रिव दुर्लभ मिहि ननु कथयामि चतुर्भद्रम् किं तद् वदन्ति भूयो विधूर तमसो विशेषेण। दानं प्रिय वाक्य सहितं ज्ञान मगर्वं क्षमान वितं शौर्यं त्याग सहितं चवित्तं दुर्लभ मीतत चतुर भद्रम। अर्थ देखते चिंतामणि 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 क्या होता है? जिसके सामने जो कुछ मांगा जाए वो सब मिल जाए, ऐसे एक रत्न विशेष को चिंतामणि रत्न कहते हैं। चिंतामणि रत्न इव दुर्लभम, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ इह इस संसार में किम क्या है। चिंतामणि रत्न के समान इस संसार में दुर्लभ क्या है? ननु निश्चय से चतुर भद्रम, चार भद्र हैं। भद्र अर्थात कल्याणकारी। क्या है वो चार? तो कहते हैं विधु तमसः अज्ञान अंधेरे से रहित जन विशेषेण विशेष रूप से तद वदन्ति उसी का कथन भूयः खूब करते हैं कथयामि उसको मैं कहता हूँ। चिंतामणि रत्न के समान यहाँ दुर्लभ चार चीजें हैं जिन्हें महान पुरुष जो अज्ञान के अंधेरे से दूर हट गए हैं उन्होंने कहा है उसे मैं कहता हूं। कौन सी ये विचार चीजें जो दुर्लभ हैं? पहली प्रिय वाक्य सहितम दानम, प्रिय वचनों के साथ दान। दान तो दिया लेकिन ऐसा प्रिय वचन कह दिया कि हृदय आनंद आनंद हो गया। और अगर्वम ज्ञानम, गर्व रहित ज्ञान, घमंड से रहित ज्ञान। और आगे कहते हैं क्षमान्वित शौर्यम, क्षमा से सहित शौर्य, शौर्य मतलब शौर वीरता ताकत च, और त्याग सहितम वित्तम, त्याग के साथ धन। एतत् यह चतुर्भद्रम, चार कल्याण प्रद दुर्लभम
दुर्लभ हैं। चार चीजें दुर्लभ हैं। पहली प्रेम प्रिय वचनों से सहित दान देना, दूसरा गर्व रहित ज्ञान, तीसरा क्षमा सहित शौर्य, चौथा त्याग सहित धन। पद्यानुवाद। मोहति मेरे अपहरण किया है विज्ञानी जो कहते हैं, चतुर भक्त चिंतामणि दुर्लभ उनको ही हम कहते हैं। दान करो प्रिय वचन बोल कर, ज्ञान गर्व विन धारण हो, क्षमा सौर्य संग धनिक त्याग संग, चार भद्र से कारण हो। ये चार ही मोक्ष के कारण हैं। पहला क्या कहा? प्रिय वचन सहित दानम, प्रिय बोलते बोलते देना, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपको देने का लाभ मिला। अरे मैं तो धन्य हो गया जो आज आपका आहार मिला, पड़गाहन मिला। अरे जिस कृत्य को करने साक्षात देवता तरसते हैं वो कार्य आज मुझे मिला, और सब कुछ देकर भी कुछ भी नहीं दिया ऐसा भाव भरकर। अभी तो आपने कुछ लिया ही नहीं, अभी हम और देने की भावना भाते हैं। ऐसे प्रिय वचनों के साथ दिया गया दान ही आनंदकारी होता है। आज तुम्हें वो खिलाएंगे जो तुमने जीवन में कभी नहीं खाया। क्या क्या बोला? तुम्हें आज वो खिलाएंगे जो तुमने जीवन में कभी नहीं खाया। ऐसी मिठाई तो तुमने देखी नहीं होगी जीवन में। देते समय दे तो रहे हैं 100 रुपये और 120 फोटो खिंचवा ली। क्या एक हम बात क्या बोलते हैं, क्या नेकी कर और फेसबुक पर डाल, और नेकी कर और व्हाट्सएप स्टोरी पर डाल, नेकी कर और इंस्टा पर डाल, कि कितना सा भला किया और इतना लंबा चौड़ा उसका प्रदर्शन किया। सामने वाले के आत्मसम्मान की कोई कदर आपके हृदय में है ही नहीं। इतने प्रेम से देना है, ऐसे प्रिय वचन बोलकर देना है कि लेने वाले को कभी ये ना लगे कि मुझे कुछ लेना पड़ा है, बल्कि उसे ऐसा लगे कि सामने वाले ने सौभाग्य मानकर दिया है। ऐसे प्रेम के साथ देना सीखना है। दे तो रहे ही हैं, देते समय अगर प्रिय वचन और आ जाए तो आपका यश कीर्ति बढ़ती चली जाएगी और सामने वाले के हृदय में आपके प्रति भावनाएं भर जाएंगे। दूसरे नंबर पे कहते हैं गर्व रहित ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? गर्व से रहित हो। एक छोटे से बच्चे से लेकर 80 साल के दादाजी तक सबको बराबर समझाने की भावना हृदय में भरी रहे। ज्ञानी कोई नहीं होता, और ना किताबों में ज्ञान होता है, ना किताबों को पढ़ने से ज्ञान होता है। ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है। जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती है उतना उतना आवरण हटता है, और जितना जितना आवरण हटता है उतना उतना ज्ञान दिखाई पड़ता है। कुछ ज्ञान नहीं होता। लोग कहते हैं हमने बहुत पढ़ाई की इसलिए हम टॉप कर गए। हम तो कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, लेकिन हम हमारे जीवन में एक ही भावना भाते, क्या कि कभी हमसे ज्ञान की अप्रभावना ना हो। थोड़ा सा पढ़ो लेकिन कभी भी
ज्ञान की अविनय ना हो। कभी भी बिस्तर पर बैठकर जिनवाणी नहीं पढ़ना, कभी जमीन में किताब को नहीं रखना, पेन भी नहीं रखना जमीन में, कॉपी भी नहीं रखना, कागज पर जिस पर एक अक्षर भी लिखा है उसे भी अपनी जमीन पर नहीं रखना। कोशिश बने तो अपने पैरों पर, जांघों पर भी कभी जिनवाणी नहीं रखना। माताओं, नमकीन बनाना है तो क्या किया, न्यूज़पेपर लगा लिया तेल के लिए, ये भी नहीं करना। जिस पर एक भी अक्षर लिखा है उसको कभी भी झूठा नहीं करना, उसकी अविनय नहीं करना, उसको नहीं फाड़ना। और जितनी कॉपी किताबें आपने पढ़ने में प्रयोग की हैं, अब सम्यक पूर्वक समीचीन रूप से उनका निष्ठापन करना, उन्हें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना। ये सब जैसे जैसे मैंने एक दिन और आप लोगों को कहा था, आज ज्ञान के साधन बढ़ रहे हैं लेकिन समझदारी नहीं। आज के लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन समझदार नहीं। उसका मुख्य कारण यही है कि वे जीव ज्ञान और ज्ञान के साधनों के प्रति विनय का भाव नहीं रखते, इसलिए उनका ज्ञान विनाश का कारण है, विकास का नहीं। क्योंकि ज्ञान के साथ यदि विकास होता है तो वह जीव इस सृष्टि पर पंचम काल में आचार्य कुंद देव जैसा ज्ञानी बनता है। एक शास्त्र ज्ञान का फल 84 पाहुड़ हो गए। वो इस 21वीं सदी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जैसा बनता है। 5 साल में पढ़ा हुआ ज्ञान 55 साल तक महान वट वृक्ष बन गया। 5 साल गुरु ने पढ़ाया और 5 साल में वो ज्ञान ऐसा विराट वट वृक्ष बन गया, जिस वट वृक्ष में पूज्य मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज, पूज्य समय सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज, पूज्य नियम सागर जी महाराज, पूज्य प्रणम्न सागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य विनम्र सागर जी महाराज जैसे विराट ज्ञानी शिष्य यू धर्म की प्रभावना कर रहे हैं कि अपने आप में एक उपाध्याय और आचार्य पद के दाहित्य के समान सकल सृष्टि को धर्म का लाभ प्रदान कर रहे हैं। एक एक साधु में ऐसी योग्यता है, उस योग्यता का मूल कारण है आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज। उस जीव का ऐसा महानतम ज्ञान, क्या मैं तो जब उनको याद करता हूं तो अपने जीवन में ये सोचता हूं कब ऐसी विनम्रता, कब ऐसा मार्दोपना हम लोग अपने जीवन में पाएंगे। जिस शिष्य को अनार का नहीं आता था, उस शिष्य को अनार का सिखाने वाला गुरु जीवन के अंत में उस शिष्य के चरणों में बैठकर कहता है, हे गुरुदेव, आज से आप मेरे आचार्य हैं और आप अब मेरी संलेखना के अधिपति हैं, अब मेरी संलेखना आपके सानिध्य में संपन्न हो। जन जन की आंखें भर आई गुरु ने जब सम्मान किया। दुनिया में माता पिता तो गुरु, माता पिता का गुरु बनते हुए तो बहुतों ने देखा है, लेकिन जो गुरु का भी गुरु बन गया ऐसा शिष्य एक ही है, वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। ज्ञान सागर जी महाराज की उदारता देखकर कैसा विराट हृदय होगा कि अपने लड़के को, जिसे सब कुछ पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, दीक्षा दी, शिक्षा दी, आचार्य पद दिया, उसके चरणों में नतमस्तक हो गए, कैसे विराट व्यक्तित्व होंगे। 55 साल तक शास्त्रों के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार दिया, जिनकी रग रग में जिनवाणी बसती थी, जिनकी चर्या में समय सार और मूलाचार बसता था, जिन्होंने तेज आवाज में कभी शब्द नहीं बोले, कभी खुलकर आंखें खोलकर किसी को देखा नहीं,
ऐसी वे त्याग तपस्या की मूर्ति, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, जब मैं उन्हें देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर पंचम काल नहीं होता तो ये तपस्वी केवल ज्ञान पा लेता। ऐसा विराट व्यक्तित्व का धनी जीव अपने शिष्य के चरणों में हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। जिसे हम एक शब्द पढ़ाते हैं कैसा लगता है, अपन कौन है, गुरु हैं, और ये कौन है, शिष्य है। हम टीचर हैं, ये स्टूडेंट है। हम पिता हैं, ये पुत्र है। कहाँ सारे संबंध तोड़ देने वाले विराट व्यक्तित्व। ज्ञान तो हो गर्व रहितम, गर्व से रहत हो, हर एक संसार का जीव ज्ञानी तो बने, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जैसा ज्ञानी बने। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, ज्ञान तो सबने पाया, क्रिया कहीं नहीं देखी, क्रिया तो मात्र ज्ञान सागर में देखी, जो झलक कर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी को प्राप्त हुई। एक बार किसी ने उनको पूछा कि आचार्य श्री जी आप ऐसे क्यों बैठे रहते, नीचे गर्दन करके क्या देखते रहते, कुछ तो होगा नीचे, या फिर हम लोग अच्छे नहीं लगते। आचार्य श्री कहते हैं, हम कुछ जानते ही नहीं थे, हमको हिंदी नहीं आती थी, उनको कन्नड़ नहीं आती थी। ज्ञान सागर जी, हमको हिंदी नहीं आती थी, उनको कन्नड़ नहीं आती थी, कुछ टूटी फूटी संस्कृत में बात होती थी तो हो जाती थी, तो वे ना हमें देखते थे ना हम उन्हें देखते थे, वे अपने आप को देखते थे, सो हम अपने आप को देखने लगे। और वह सिस्टम पिछले 55 सालों से बराबर चल रहा है। वे घंटे दो घंटे तीन घंटे यूँ मंच पे बैठे रहते हैं और अपने आप को देखते रहते, किसी को नहीं देखते। ये है ज्ञान गर्व रहितम। ज्ञान तो है, गर्व का कोई ठिकाना नहीं है, अभिमान जहाँ है ही नहीं। सारा संसार कहने लगा ज्ञान के सागर विद्या सागर। ऐसा विराट ज्ञान पुंज, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना, संस्कृत महाकाव्यों का वो रचेता जब हाथ जोड़कर अपने शिष्य के चरणों में झुका होगा, तब क्या दृश्य रहा होगा। देखने वालों के नैना धन्य हैं और हम सुनने वाले अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं कि जिन्होंने दृश्य को देखा होगा। और धन्य धन्य भी दोनों गुरु और शिष्य हैं जो इस सृष्टि पर हमेशा के लिए अमर हो गए। आगे कहते हैं, क्षमा सहत शौर्यम, ताकत तो हो लेकिन क्षमा से युक्त हो, शौर्य तो हो लेकिन क्षमा से युक्त हो। क्षमा युक्त होने से वह जीवों पर अत्याचार नहीं करता। अरे शक्ति तो है, शक्ति इसलिए नहीं है कि दूसरों का शोषण हो, शक्ति इसलिए है कि सारे संसार का कल्याण हो। आप पद पर बैठे हैं, उस पद की गरिमा यह हो कि जन जन का संबल बन जाऊं, हाथ पकड़कर उन्हें संसार समुद्र से बाहर निकाल पाऊं, यह हमारा कर्तव्य हो। इसलिए शक्ति मिली है तो सदुपयोग होना चाहिए। और अंत में कहते हैं, त्याग सहित धनम, पैसा तो बहुत हो लेकिन देने का जब भाव होगा तो वह दान धर्म सबसे महान होगा। अगर आपको विश्वास है कि रुपया पैसा साथ जाता है तो कभी किसी को कुछ मत देना। किसी की एफडी तो नहीं हो गई, रिजर्वेशन तो नहीं है आप लोगों का, अगली गति का किसी ने रिजर्व वो तो नहीं कराई आपकी, वो तो नहीं है एफडी अगली गति की, यहीं की है ना। नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा सिस्टम चल रहा है, वो लोग एफडी करा लेते हैं, कब की, अगले जन्म की। फिर रुपया पैसा कहाँ जाएगा हमारे साथ, अगले जन्म में साथ जाएगा। तो आप लोगों में से किसी की है तो नहीं ना, और अगर होती हो तो हमें भी बता देना, हम भी करवा लेंगे, ठीक है। और क्या, जितना कुछ है वो कम से कम साथ में तो जाएगा,
जब पता चल गया है कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, तो अब हम एक एफडी बताते हैं कि जितना जितना इस हाथ से यहीं पे छोड़ दिया जाएगा वो अनंत गुणा होकर साथ चला जाएगा। क्या है एफडी? कि जितना जितना यहां अपनी आंखों के सामने अपने हाथ से छोड़ा जाएगा उतना वह अनंत गुणा होकर फलित हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो अभी जब बारिश होने वाली है तो एक मुट्ठी गेहूं लेकर और ऐसे भरकर और खेत में छोड़ देना, आप देखोगे वे मुट्ठी भर गेहूं एक बोरा भर बन जाएंगे। ये है दान। ऐसा लो और एक मुट्ठी गेहूं से बोरा भर जाते हैं तो एक रुपए का सिक्का प्रतिदिन दान के रूप में भी दिया जाएगा तो करोड़ों करोड़ों रुपए की संपदा का अधिपतित्व आपको प्रदान करेगा। इसलिए है तो देने में कतराना नहीं और नहीं है तो कोई विकल्प करना नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही यहाँ पर पर्याप्त है। फिर आगे